चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख बूंद के चला। तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया था मस मेरा। शिविर मतलब है तो भूल ही गई, हम तो यहाँ सेवादार हैं। यहाँ आपको पूरी भीड़ मिलेगी, हैवी ट्रैफिक। ठीक है बोले जी, ठीक है। क्या बोलेगी? बम 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 बम, ओहो हो भोला धूम मचावे। जय भोले जी। हम पहुंच गए हैं श्री कैलाश धाम कांवड़ सेवा शिविर, जहां सेवा होती है रोज भोलों की, जब तक जल चढ़ता है शिवरात्रि पे। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट कांवड़ सेवा शिविर है सहारनपुर का। इतना भोला आपको यहीं मिलेगा। जय भोले जी। कहाँ से आए भोले? नकुड़। तो पास में ही हो है, बस सही है, अपना आनंद में पहुंच जाओगे। अब तो कलश उठाया हुआ क्या? कितना लीटर है?
61 लीटर, कितने लोगों? चार बोले हैं, मतलब चार बोलो ने 61 लीटर उठाया, बहुत बढ़िया बोले, जय बोलोगी। और ठीक हो? ये हमारे रात के कैप्टन भाई मोनू भोला जी, गागा लेडी वाली चावल आज से 15 साल पहले इन्होंने खिलवाए थे, हम आज तक भूल नहीं पाए हैं। आज आप ये जीव लाल करके कहाँ घूम रहे हो? जीव लाल नहीं, भेंट लिया मैंने आज। अच्छा भेंट लिया है, बलि लोगे? ले ली। अब जानू भगत बनवाओ है। अच्छा, और मलाई कोफ्ता है, पालक पनीर है जी, और दाल मखनी होगी, आलू होंगे, कद्दू होगा, पूड़ी होगी, चावल होंगे, और आपके लिए टिक्की खत्म हो चुकी है, दूध चलेगा, आप हलवा वगैरह का प्रसाद ले सकते हैं। आप सभी सदस्य हमारे, ये हमारे भ्रातर हैं सभी, हमारे त्यागी जी जी, और ये हमारे गुप्ता जी, और जैन साहब, जैन साहब गुप्ता जी बनी है जो भी। अच्छा। कह रही है तेली जुलाई वाले, ये अलीगढ़ से आए हुए हैं स्पेशल शिविर के लिए, आते तीन भाई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हमारे भोले जो कि तीन या चार तंदूर लगातार लगाते हैं, इनके साथ चार भोले बनाने वाले, लच्छा पराठा, गोभी पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा। काफी ये जो सज्जन है, ये हमारे मास्टर जी चाय के मामा जी, ये कभी दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, हर धड़कन में इनकी चाय चाय है, चाय इतनी मामी भी नहीं है जितनी चाय है। आइए ये सीता टंडन जी, इनके बिना किसी के घर में टीवी नहीं चलता, लाइट आ जाएगी टीवी नहीं चलेगा। आइए आप भी, और ये हमारी ये देखो टीम साथी है जो की पूड़ी वगैरह बनाते हैं, खिलाते हैं, बनाते हैं, नहीं खाते तो भी खिलाते हैं। आइए इधर आइए, देखो चावल, इधर दूध मलाई, और ये देखो धर्म के दुकने कर रहे हैं, बारो बार की चाय बना के इधर पिला रहे हैं, सेवा का भाव देखिए इनका, ये भंडारे में ही खा रहे हैं इतना प्रेम जाग चुका है इनके अंदर। ये देखो ये आलू चल रहे हैं, दाल बन रही है, ये बोला स्पेशल है, ये तो बहुत बहुत दूर से आते हैं, अलीगढ़ बनारस की साइड से आते हैं। ये देखो जिलेबी मास्टर जी, लखनऊ वाले, जबकि इनके बड़े भाई खस्ता का काम होता है, लेकिन ये मिठास पसंद है। हाँ। ये किसी का नमक खा के आराम करते ही नहीं। अच्छा, क्योंकि इनका काम ही मिठास का है। आइए आप इधर आइए, ये इधर अनिल जी हैं जी, बालाजी के चरणों में हमेशा पड़े रहते हैं जी जी जी, लड्डू पेड़ का प्रसाद बालाजी के मंदिर में इनकी तरफ से होता है। और ये जो भोला है, ये देखो इनकी शक्ल देखो, धीरे धीरे हनुमान जी की तरफ जा रही है, पूरे भक्त आदमी है। ये देखो इधर भोला, ब्रेड पकौड़ा, सुबह की तैयारी अभी से शुरू हो गई, ये 4 बजे उठ के पानी की तरफ जाते हैं। अच्छा, बाकी कोई जाए ना जाए, ये भोले जो है ये हमारे सुरेंद्र जिद्दर जी के भतीजे हैं, कह लो भाई जी कह लो, बहुत ही सज्जन प्रेमी है ये, इनके परिवार जो है कुल सेवा करता है यहाँ पे आकर, इनके बारे में तो क्या कहूँ, तो हवा खा रहे। ये हमारी भोली सबसे पुरानी भरती है यहाँ पे सबकी झोली, और ये यहाँ की भोली, तो ये इनकी खास बात है, सुबह 5 बजे रोज आरती है, 5 बजे का टाइम इनका आरती का फिक्स टाइम है, उसके बाद में पाठ करती है बैठ के। ठीक है, और कोई खास बात इनकी? बस सारी खास है, इनके बिना कुछ नहीं है यहाँ। जय भोले, जय भोले। ये हमारे नए प्रधान, अच्छा, जो कि बैग वाले हैं, इससे पता ही लग रहा है कि पैसे वाले हैं जी। इधर देखिए, ये कपड़े नहीं गंदे होने देते। अच्छा, ये सेवादार है, इनकी तरफ से दाल चलती है यहाँ पे मोरगंज के पास। ये देखो इधर गरम गरम पूरी भोली की तरफ से, इधर आलू की सब्जी देखिए, इसमें पनीर रह गया था, बाद में डलवा दे। इधर देखो मलाई कोफ्ता वगैरह, भक्तों की सेवा देखिए, इधर चावल देखिए बासमती, देखो बड़ी व्यवस्था रूप से चल रही है, लाइन लगी हुई है बेहतरीन। जय भोले की बोले, अगर इसकी दिक्कत परेशानी हो, इधर दवाई वगैरह की व्यवस्था तो पड़े हैं। तो ये डॉक्टर साहब है हमारे, ये डॉक्टर साहब है लखनऊ से, लखनऊ से आए हुए हैं स्पेशली, क्या सर्जन है ये, ठीक है। वैसे हमारे मोहल्ले न्यू गोपाल नगर के हैं, ये बहुत ही प्रेमी आदमी है, दुख सुख में MBBS MD। तो दवाइयाँ कौन कौन सी है डॉक्टर साहब जी? डॉक्टर साहब दवाइयाँ बताओ, मैं कौन कौन सी है? कैमरा चल रहा है, लाइव चल रहा है, देखिए दर्द के, पेट की, गैस के, दर्द के, ऐसा भी है कोई खाना खाने के बाद भूख ना लगे चलते रहिए आप, भला हर प्रकार की समस्या की दवाई है जो भोले को हो सकती है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये हमारे ललित पोपली जी हैं जो कर्मठ यहाँ के साथी हैं, सेवादार हैं, इनके पल्ले इतना पैसा है, अगर ये चाहें तो 12 महीने भंडारे चला सकते हैं। जय बोले, बोले सच्चे दरबार की। जय, ये देख लीजिए, देख लीजिए, इसके कुछ भी नहीं है, कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना, फुल पावर है इनके ऊपर, जटाओ में पावर, पावर अलग है, 11,000 की लाइन होती है। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा बोले के चरणों में आप भी कुछ अरदास चल रहे, चल रहा है, वो चल रहा है, मुझे लगा आप चरणों के बड़ा मुझे से पूरा कह दे आप क्या तोड़ दोगे। नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूं कि आप भी कुछ उनका अरदास करें, बच्चों का आशीर्वाद दें, सब बोले का आशीर्वाद बहुत जा रही है। जय प्रधान जी की जय, प्रधान की दर्जी की जय हो।
तो आप खुद भले अब बताएं ये शिविर कितने साल से चल रहा है? लगभग लगभग मेरे ख्याल से मुझे आने वक्त हो गया था, लगभग 30 साल मुझे हो गया, 25 साल के आसपास ये राना शिविर से शुरू हुआ था। भगवान की कृपा इन पर, ये चाय और ब्रेड वगैरह से शुरू हुआ था जी। और आज की तारीख में ये वो भंडारा है जो कि 10 दिन दिन रात सुबह शाम हर पल हर आइटम बदल कर चलता ही रहता है। खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ से हर चीज़ की व्यवस्था, मैं किस किस चीज़ का नाम लूँ आपके सामने, दही चाट टिक्की पकौड़ा दूध दही और जलेबी वगैरह मिष्ठान। कभी आज हमारे राणा जी हैं, विभोर राणा जी के परिवार से हैं। अच्छा, बस इनकी सेवा रात की रहती है, सेवा में तत्पर रहते हैं हर साल। पिछले 15 साल से तो हम भी देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तैनात है पुलिस प्रशासन, दिन और रात इन्होंने ऐसा एक कर रखा है, दिन में ही रात होने के लिए और रात में ही दिन है। ये हमारे जो है क्या नाम, रविंद्र सिंह नागर जी, नागर जी की तो लीला या परंपरा है, अगर किसी भोले ने कह दिया तो हाथ पकड़ के सड़क पार कराने का काम करते हैं। जय भोले की, बोले शंकर भगवान की जय। तो मतलब पुलिस प्रशासन आपके अनुसार बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छी सेवा कर रहा है, सेवा ही कर रहा है, सेवा कर रहा है। जय भोले किया जाता है, जय भोले की। ये पीने का पानी है बोले? पीने का पानी है, नगर निगम से ये टैंक आए हुए हैं। अच्छा, ये हमारे जो है अजय कुमार जी हैं, मेयर साहब। मेयर साहब, और बाहर नहाने की व्यवस्था है बोले? नहाने की व्यवस्था, फुहारे वगैरह, शावर लगा रखे बोले के लिए। हाँ जी, हाँ जी, आओ लाइव दिखाते हैं, बोला नहा रहा है। ये कावड़ के स्टैंड है बोले? कावड़ के स्टैंड बोले। अच्छा, इनमें क्या होता है बोले? इनमें कावड़ झुलाई जाती है, हालांकि मालूम मुझे भी है, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए जो इसको वीडियो को देखने जाएंगे उनके लिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे बार बार, है कि आए कावड़ झुलाए अंदर आराम करने, कूलर पंखा व्यवस्था सभी खाने पीने, तो ये शावर लगाए हुए हैं, शावर लगाए हुए हैं। जय भोले, आप नहाए खाना ले अंदर प्रसाद ले आराम करें, कूलर पंखा हर चीज की व्यवस्था, गर्म पानी। तो इसके बाद नहाने के बाद भोला अंदर जाएगा, फिर भोजन खाएगा, भोजन पहले खाता है भोला? भोला भोजन पहले लेगा, हाँ फिर नहाएगा, फिर जाएगा। आ जाओ बोले, अभी यहाँ पर दूध की सेवा होगी, जबकि जैसे कि जलेबी और मिष्ठान में दूध होगा, अभी हलवे का प्रसाद चल ही रहा है, लेकिन रेगुलर एक आइटम मीठे की चलती रहती है। उसके अलावा खाने में तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, जिसकी जो डिमांड भोले ने कर दी वो मिलगी। अभी किसी ने कहा मंडा है क्या जी, दाल बन गई, किसी ने कहा जी आलू है जी आलू बन गए, अभी मलाई कोफ्ता था, उससे पहले पालक कोफ्ता था, कोफ्ते की तो लाइन ही नहीं टूटती है। बोले शंकर भगवान की जय। बोले ये जो एक अलग से, ये हमारे सेगमेंट ले लीजिए, हाँ ले लिया ने, ये हमारे बॉबी राणा जी जो कि नाइट की सेवा करते हैं, अगर यहाँ चाहें तो हाथ जोड़ सकते हैं भोले की तरफ। मैं तो आपके आगे भी हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। लगन के साथ ये 3% के ब्याज वाले भी आए हुए हैं। लखन जी हमारे प्रधान जी, छोटे बेटे राम जी नहीं आए अभी, राम जी जब आएंगे तो जगह प्रोग्राम फुल हो जाएगा। ये जो हमारी भोली है, जैसे ये हमारे सुरेंद्र जी के बेटे हैं, ऐसे ही हमारी भोले के बेटे हैं, जिनकी सेवा रात दिन, ज्यादातर MBBS डॉक्टर काम करते, सर्जन है ये, सर्जन भी सर्जन, क्योंकि नुमाइश कैम के। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छे भोले हैं, ये भी हर साल रात्रि की सेवा में रहते हैं, भले निरंतर, लेकिन रात रात की सेवा खुद नहीं, ये भी प्रेम करते हैं भोले से, कमाल है, प्रेम में ही तो पड़े हैं यहाँ। जय भोले, शंकर भगवान की जय। ये भूखने वाले हैं आज, इनको खत्म कर देंगे। मैं पैसे वाली की आगे बात कर रहा हूँ।
छूटेंगे। आज मैं भी वहाँ करेगा झूठा नाटक छे इस बोले नाम में परेशान करूंगी। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्ले गोरा चाल सुसी चले सिल्की रहना फकीर मन घर न बसाना गजर चोरी मन सुनी जो न बिल्की मुझे मारो मेरा दुनिया न जाना तू महा प्रतिशत तरस मेरा तू महा प्रतिशत तरस मैं भूरा का भी गया करूँगा चिल्ली के सुते लाया करूँगा मोकर आ गई मनवा का भी न डोले उसमें जो तू बसा है।
मैं सहारा दिल वैसे बेचारा आवे उसने ये ख्याल भाए जय बोलेगी। जैसा कि पता है सुबह का टाइम है, तंदूर स्टार्ट होने वाला है जिसमें अब हमारे परौंठे बनेंगे मिक्स आलू के गोभी के, और ये पूड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी सुबह सुबह भोलों के खाने के लिए। फ्रेश तेल, फ्रेश पूड़ी, ताज़ी पूड़ी बनती है, और ये हलवाई अपने बर्तन साफ कर रहे हैं। टीम उठ गई है, हलवाइयों की सब टीम उठ गई है। इधर चाय का प्रोग्राम, चाय बन रही है, कबड्डियों के लिए चाय चलेगी पूरी भरपूर। ये दूध आ रहा है चाय के लिए, ये चावल बन के तैयार हो चुके हैं। इधर शाम को दाल तैयार हो रही है, अमूल गोल्ड का दूध यूज हो रहा है, दूध होता है, दाल तैयार हो गई है। ये इधर आलू तैयार कर दिए हैं, और ऐसे ही ये आलू उबर रहे हैं पकौड़ों के लिए। जय हो। हमारे भाई धर्मेंद्र जी कर्मठ कार्यकर्ता कैलाश धाम कावड़ सेवा शिविर के, पूरा पूरा दिन यहाँ सेवा करते हैं, रात को लेट नाइट जाते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं टाइम से। कैसे वो बोले, आनंद आ रहा ना, पूरा पूरा आनंद लो, फिर बोला भी आनंद देगा। लाखों करोड़ों भोले निकल गए हैं, लाखों करोड़ों और आएंगे। शिविर में रुकेंगे, फट्टे पे सोएंगे, शिविर में ही भोजन खाएंगे, बम बम के जयकारे लगाएंगे, और अपने अपने शिवालय में जाकर गंगा जल चढ़ाएंगे। तो भोले, ये सहारनपुर में आपने देख ही लिया क्या माहौल बना हुआ है। सावन के 10 दिनों में हमारा
हमारा सहारनपुर मिनी हरिद्वार बन जाता है और लाखों की संख्या में भोला यहाँ से निकल के जाता है। हमारे शहर का, इस सहारनपुर की पावन धरती का, माँ शाकुंभरी मैया की धरती का सौभाग्य है कि इतना गंगा जल हमारे शहर से होकर भोला लेकर जाता है और सहारनपुर वालों को सौभाग्य प्राप्त होता है भोले की सेवा करने का। वैसे एक चीज़ मैंने भोले अभी देखी, भोला था, मैंने दिखाया नहीं कैमरे में, मैंने कहा क्योंकि हम दिल से जुड़े हुए हैं कांवड़ यात्रा के साथ, भोले के साथ, और मेरा मन नहीं था कि मैं उस चीज़ को दिखाऊं। भोले पहली बार आए थे, थोड़ा ज़्यादा जल उठा लिया और मेरे से एक्टिवा में पीछे बैठ के अभी आए हैं करीब 6-7 किलोमीटर। उनके साथ भी थोड़ी समस्या हो गई, सारा सामान वामान उनका उठा लिया गया हरिद्वार में, तो वो पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाए। तो मैसेज यही देना चाहते हैं, इस तरह की जो हरकत हो रही है भोलों के साथ हरिद्वार में, वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और भोले उतना ही जल उठाएं जितना आप ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे जल का अपमान होता है, जल की पवित्रता का सवाल है। और दूसरी बात, फिर मैंने भोलों से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप इतने 4 लोग हैं, 2 कांवड़ हैं, कुरुक्षेत्र उन्हें जाना था, मैंने कहा आप 15-18 किलोमीटर भी, आप 15-18 किलोमीटर भी एक दिन का टारगेट लोगे तो आराम से 2 तारीख तक अपने घर पहुंच जाओगे आप 4 लोग हो। तो बोले, वो कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे और यही चाहता हूँ कि सभी भोले अपने अपने गंतव्य पे सुरक्षित गंगा जल लेकर पहुँचें और भोलेनाथ का अभिषेक करें। तो अभी के लिए वक्त तो जय भोले की, बाकी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। यदि कोई नेक्स्ट व्लॉग भी बनता है कांवड़ का, यदि हम कांवड़ लेने जाएंगे तो भी शायद व्लॉग बनाएंगे और हम भी बम बम के जयकारे लगाएंगे। हर हर महादेव, जय भोले की।